तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने नानी के घर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है, ऐसे जाना पड़ रहा है। ओबे तो कुछ ऐसे ले जाना पड़ रहा है बैग। ये है मनु भाई जो कि ले जा रहा है दो बैग, और मैं ले जा रहा हूँ एक बैग। ये बैग का ये क्या क्या हाल क्या है? बैग के दोनों के पीछे के टायर के टूट गए हैं और बैग जा रहा है ऐसे। लगी है हमारी ना आने जाने पर। चलो चलो चलो, ठीक है आओ। जा रही हमारी दादी, पीछे देखो नानी जी हमारी 85 साल में ऐसे पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। आ नानी आओ, देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रगल है पहाड़ों में, पहाड़ी जीवन। चप्पल भी टूट गया है। तो यहाँ से आ रही है हमारी नानी अभी, देखो किस प्रकार का रास्ता है और कैसे चढ़ के आना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी कहानी है पहाड़ों की, पहाड़ों की कहानी। पहाड़ों का जीवन बहुत हार्ड है, पर प्रकृति का मजा भी यही है। यहीं देखिए तुम झरना, पीछे हमारे छोटा सा। तो पहाड़ों का जीवन कष्ट वाला भी है, पर प्रकृति का आनंद भी है। पीछे देखिए हमारे क्या बढ़िया जीवन, वाह मज़ा आ गया भाई इसमें। ऐसे ऐसे झरने भी हैं। अब मनु भाई इसमें जाएगा और डुबकी मार के आएगा। भाई जा मेरे भाई, डुबकी मार के आ। कुछ ऐसा मज़ा आ गया है। तो हम आ रखे हैं अभी खेरगाड़ के गधेरे में। गधेरा रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसे ही चलना पड़ रहा है पत्थरों में। कहाँ से हम चढ़ के आए दिखाता हूँ, कहाँ से आए हम चढ़ के। तो अभी हम चढ़ के आ रहे हो ऊपर, गाड़ी खड़ी कर रखी है हमने रोड में, वहाँ से नीचे नीचे पैदल। और ये है गधेरा, इसको पार करते हुए हम पहुँच गए हैं अभी यहाँ। और ये है काला पत्थर मौज करने के लिए, तो हम इस पे चढ़ेंगे अभी। और पत्थर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, नीचे है पूरी खाई। और हम चढ़ रखे हैं अभी ऊपर पत्थर पे। फिर से निकलते हैं हम रास्ते पे, अभी बचा है थोड़ा, 10 मिनट का रास्ता पैदल पैदल निकलते हैं अभी हम। और ये क्या आ गया हमारे मुंह पे, ये जा रहे हैं बुझाने बुझान। तो रास्ता है कुछ इस प्रकार का, दिखाते हैं आपको कैसा रास्ता है। ऐसा रास्ता है और ऐसे लोग यहाँ सामान लाते हैं, ये 50-50 किलो एक आदमी। और कुछ ऐसे घर होते थे पहले ज़माने में, अब ये खंडर हो गया है। तो ऐसे कुछ घर बैक के दोने जीत जाएंगे। और ये है कंडाली, ये है यहाँ
आखिरकार में कंडाली बहुत परिचित है। जिसने कंडाली नहीं देखी है ये है कंडाली। कंडाली देख लो, कंडाली बोले तो बिच्छू घास। बिच्छू घास यही है वो चीज, असली खुराक। खिरगाड वाले इसको काटते नहीं, ये दवाई है। और ये है इनका पुराना घर, यहाँ पहले हमारी बकरी रहती थी 50-60 बकरियाँ। अब ये खंडर हो गया है, खंडर हो गया। अब मिलाते हैं तुम्हें दूसरे वाले घर में, दूसरे वाले जहाँ पहुँच गए हमारी दीपू भाई, आराम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। ये इनकी अपनी देसी गाय, तो पहुँच गए हम फाइनली घर में। और ये है इनकी लंदन से ला रखी है, इकलौती गाय है लंदन से आ रखी है यहाँ। और ये है कुछ इस तरह का घर, काफ़ी बढ़िया। और ये हमारे दीपू भाई जिन्होंने अभी अभी आया और अभी चेंज भी कर लिया है बहुत जल्दी। बैठो। तो फाइनली पहुंच गए हम घर पे, अब चलेगा थोड़ी देर आराम, चाय कॉफ़ी, उसके बाद चलेंगे हम फिर लामड़े घाट और वहीं काटेंगे घास। आज सूखा भी जाना था लाखड़ लेने, पर क्या करें, नहीं गए, नहीं गए हम। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है और हमारा मनु भाई लगा है बर्तन धोने पे। अब जो खाने के जितने बर्तन हो रखे थे ये बर्तन धुल रहा है। तो गाइस शाम के बज गए हैं, तीन बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर को अपने। इन्हीं गधेरों में मसाण भी लगता है, तो मसाण से सावधान होके चलना पड़ता है। यहाँ मसाणों का खतरा बना रहता है इन गधेरों में। तो फाइनली हम पहुंच गए रोड में, ये है गाड़ी, गाड़ी लगा रखी है वहाँ। अब चलते हैं घर की तरफ, गाड़ी में ला रखे हमें एक आटे का कट्टा मनु भाई के लिए, या मनु भाई ले आएगा इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मनु भाई बोला मेरे को स्कूटी सिखाओ, तो अभी इसको स्कूटी सिखाने जा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे थोड़ी घर को। दो चक्कर स्कूटी सिखाते हैं इसको, उसके बाद निकलेंगे घर को। चलो चलो भाई स्टार्ट, रेस खींच थोड़ा हल्का और। अच्छा बस गया लौंडा, गया सीख गया लौंडा। तो फाइनली इसने गाड़ी भी सीख ली ग्राउंड, अब निकलते हैं घर की तरफ। टाइम हो गया है, बारिश आ रही है अभी, तो निकलते हैं। ठीक है भाई, बाय 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 बाय। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी घर पे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।